नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्माएं क्यों भटकती रहती हैं, ये जानते हुए भी कि कहां उन्हें जाना है, किसने उन्हें मारा है, कोई भी उनके साथ वारदात हो जाए और कोई भी इंसान आत्मा के रूप में प्रेत योनि में पहुँच जाए, प्रेत बन जाए, उसके बावजूद भी भटकना क्यों लिखा होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मा बदला क्यों नहीं लेती अपने कातिल से, आत्मा क्यों नहीं रिवेंज लेती। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आत्मा भटकने पे मजबूर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी इंसान सड़क पे जा रहा है और कोई गाड़ी उसको मार जाती है और वो एक्सीडेंट इतना ट्रॉमेटाइजिंग है कि उसको यही नहीं पता कौन सी गाड़ी उसको मार के गई है। वहीं पर उसकी बॉडी पड़ी होती है, डेड हो जाती है, आत्मा शरीर से बाहर निकल आती है, पर उस वक्त उसको ये पता ही नहीं होता कि कौन उसको मार के गया। एक्सीडेंट इतना जल्दी और वेग में हुआ होता है कि आत्मा को इतना संभलने का उस इंसान को मौका नहीं मिला होता और ना ही उसकी आत्मा को। तो आत्मा निकली शरीर से बाहर, उसके बाद थोड़े टाइम तो वो वहीं पड़ी रही इसी ट्रॉमा में कि वो उसके साथ ही हादसा हो गया है और वो पड़ी है। धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब वो शरीर से बाहर आ चुका है, अब उसका उसकी शरीर यहाँ पड़ा है। लोग इकट्ठे होते हैं, शरीर ले जाते हैं। तो उस स्टेट में अगर वो रिवेंजफुल मोड में आए भी तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि कौन उसको मार के गया है। आत्मा कोई सर्वज्ञानी नहीं होती कि आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, आप सब भी आत्मा हैं, बस हमारे पास शरीर है, शरीर नष्ट हो गया तो भी हम सेम ही रहेंगे, बस शरीर नहीं होगा। तो हम जैसी हमारी आत्मा है वैसी ही रहेगी। कोई उसके अंदर एकदम सर्व ज्ञान नहीं आ जाएगा, कोई दूरदर्शी वो नहीं आ जाएगी कि पता लग जाए अच्छा वो बंदा वहाँ है, ये था नाम, ऐसे नहीं होता। तो बहुत कम स्पिरिट्स होती हैं जिनको ऐसी कॉन्शियस होती है कि वो चीज़ें बता सके, या जिन होते हैं वो बता सकते हैं। तो ऐसे में वो आत्मा अगर भटक रही है, ढूंढ रही है किसी न किसी मुसाफिर को कि किसने मुझे मारा, रिलेट करने की कोशिश कर रही है, तो वो सड़कों पर भटकती रहेगी। अब इस चक्कर में अगर वो किसी और का एक्सीडेंट कराती है या किसी और के शरीर में दाखिल हो जाती है तो उसके शरीर में बैठ गई, तो फिर वो उसी के शरीर में कई साल निकाल देगी, 10-20 साल, क्योंकि ध्यान हट जाएगा उस तरफ से और मेन ध्यान हो जाएगा खाने पीने पे, शरीर की आपूर्तियों पे। और या अगर अपने शरीर के साथ भी उसने जाने का प्रयास किया और नहीं जा पाई, उसको ये आभास हुआ कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, तो वहीं पड़ी रह जाएगी फिर खुंदक में, उस अपने मारने वाले को ढूंढने की बजाय और लोगों को मार मार के वहीं बिठाती रहेगी कि भाई मेरे साथ भी तो हुआ था। तो इस तरीके से कई दफ़ा आत्माएं भटकती रहती हैं। कई दफ़ा आत्माओं को यही नहीं पता होता कि उनके साथ हुआ क्या है, किसने उन्हें मारा है, क्या उन्होंने करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा कहीं पर खो गया और खो गया किसी शहर में, अलग शहर में, और वहाँ भूखा प्यासा था, वहाँ मर गया। मर गया तो वहाँ पर आत्मा उसकी घूम रही है। अब वो अपने घर जाना चाहती है, उसका घर बहुत दूर है। सपोज़ कोई बंदा, ये समझ लो कोई भी एक्स वाई जेड प्लेस हम ले लेते हैं, कोई भी बंदा कहीं मुंबई में खो गया और उसने वापस जाना है, जो है बंगाल जाना है या दिल्ली जाना है, या तो उसके लिए वहाँ तक जाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि पहली बात वो उसी अनुभूति को जिएगी आत्मा कि मैं तो इंसान हूँ। कुछ टाइम तक उसको यही लगेगा कि नहीं, मैं तो जा सकता, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, टांगा नहीं है। और जो सबसे बड़ी जो लाचारी है किसी चीज़ को ना टच कर पाने की, अदृश्य रहने की, चीज़ों को जो स्पर्श ना करने की, उस वजह से आत्मा असहाय हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भटक रही है, उसने देखा कोई भी बंदा वहाँ पर है दिल्ली का, घूम रहा है, तो वो सोचेगी क्यों ना मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊँ। ये अगर वो किसी को बातें करते सुना, उसने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, तो वो सोचेगी कि इसके शरीर पे बैठ जाती हूँ, तो ये दिल्ली जाएगा जब, तो मैं दिल्ली इसके साथ ही चली जाऊँगी शरीर के माध्यम से। तो शरीर में प्रवेश कर गई, पहुँच गई दिल्ली। अब दिल्ली पहुँच गई तो उसके बाद जब एक बार शरीर में आ गई, उसका नहीं मन कर रहा अपने घर जाने का, क्योंकि जो शरीर की अनुभूति मिली, अरे वाह यहाँ तो बहुत बढ़िया, इसने तो माल खाया था रास्ते में, ट्रेन में भी इसने बहुत बढ़िया बढ़िया सामान खाया था, फ्लाइट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया खाया था, अरे इसने तो सेक्स भी किया था उसमें भी मज़ा आया, तो वो फिर आत्मा कहेगी कि मैं शरीर को क्यों छोड़ूं। तो उसका जो मेन मोटिव था घर तक जाने का, वो इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता चला गया। तो एक बार ही डिस्ट्रैक्ट होता चला गया तो शरीर के शरीर में बैठ गई। अब वो बंदे को अजीब फील होने लगा कि भाई मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं, मुझे अजीब सा वो हो रहा है कि कोई चीज़ है मेरे पर, या उसके घर वाले को होने लगा, वो चले गए किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, उसने उस आत्मा को पकड़ के अपने पास बिठा लिया कि अच्छा है तो बढ़िया नई आत्मा मिल गई, काम आएगी ये तो टोटकों में।
उसने बांध के उसको क्रिया करके किसी और के शरीर पर चढ़ा दिया पैसे लेके। तो दिल्ली पहुंचना था, वहां से सीधा वो पहुंच गई, सपोज कोई और स्टेट पहुंच गई या विदेश पहुंच गई उस क्रिया के माध्यम से, जिस पर टोटका किया वो बंदा विदेश चला गया, वहां पहुंच गई। तो आत्मा इस तरीके से भटकती ही रहती है। बहुत कम आत्माएं होती हैं जो सही मायने में रिवेंज ले पाती हैं, जिनका बिल्कुल ही मारने वाला जानकार हो, आसपास हो, किसी रिश्तेदार ने किसी की जान ली हो, तो उसे पता है मेरा रिश्तेदार तो वहाँ रहता है और मैं यहाँ हूँ, तो पता क्या रिश्तेदार के पहुँच गए किसी ना किसी और रिश्तेदार के माध्यम से, वहाँ जाके उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। या एक मिनट के लिए आप आसपास ही रहते हैं, तब बहुत आसान हो जाता है बदला लेना आत्मा के लिए, या फिर एक मिनट के लिए नोन है तो बदला लेना आसान हो जाता है। पर मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आत्माएं भटकती रहती हैं, जिसने तंग करा उसको तो छोड़ दिया, जिसने नहीं करा उस पे दिल आ गया तो चलो भाई उसके शरीर में मज़ा आ रहा है, इसी के साथ रह जाओ। तो ये बहुत ही विचित्र दुनिया है, बहुत ही विचित्र दुनिया है। पता ही नहीं लगता कि किस पर्पज़ से कौन गया और किस पर्पज़ को वो निभा रहा है। मतलब कितनी अजीब बात है कि अगर जिसने मारा उससे बदला लिया नहीं, जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा उसके शरीर में बैठ के खा पी रहे, मौज ले रहे हैं, और जब बात हो रही है कि भाई इसका शरीर छोड़ दो, कि नहीं छोड़ूंगे, ये मुझे तो अच्छी लगती है या मुझे तो अच्छा लगता है। तो यही बहुत ही विचित्र बात है। और कई दफ़ा तो आत्माएं भटकने में ही उन्हें इतना आनंद हो जाता है, दूसरों के शरीरों पर जाने में इतना आनंद हो जाता है, कि अगर उन्हें फोर्सफुली अपने घर भेजा भी जाए तो भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि घर पे पितर बैठे हुए हैं या कोई फलाना घर के परिजन की आत्मा बैठी हुई है, वो मुझे घेर घोट के पकड़ के ना बिठा ले कि नहीं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, इतनी तक बदमाशी होती है आत्माओं में। तो वही वाली बात है कि जो चलाए मन की बात है, जिस तरीके से हमारा मन चंचल है, इसी तरीके से जैसे हमारी कॉन्शियस के साथ हम इस जीवन को जीते हैं, हमारी जो सोच है वो इस हद तक हमारे अंदर विद इन आवर सेल्फ वैसे इनबिल्ट हो जाती है कि आत्मिक रूप में भी प्रेत बनने के बाद भी आत्मा कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कुछ भी उसकी एक ये कह लो भेड़ चाल हो सकती है, कुछ भी स्टेप उठा सकती है। मतलब आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने करना क्या है, वो चाहती क्या है, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल ही जो है पैरेलल के साथ साथ बिल्कुल ही अजीब है। जो इसकी जो मेन एलिमेंट जो भगवान छीन लेता है, भोजन, शरीर, संभोग, ये अपने आप में इतने ज़्यादा व्याकुल कर देते हैं आत्मा को कि वो यही भूल जाती है कि उसने बदला लेना था, यही भूल जाती है कि उसे घर जाके अपने परिवार को देखना था, यही भूल जाती है कि उसे भगवान से माफ़ी मांगनी थी, सब कुछ। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जिसके पीछे वो भागने को आतुर हो जाती है, विवश हो जाती है, वह शरीर, भोजन, संभोग, शराब, मांस, पानी। ये अपने आप में एक ऐसी विडम्बना है कि भगवान ने उस योनि को भी चलाने का माध्यम ढूंढ लिया, कि जिस तरीके से हम इस इंसान जो है रोटी के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, गाड़ी के लिए, सुख साधनों के लिए दिन रात भाग रहे हैं, उसी तरीके से आत्मा इस शरीर के लिए, भोजन के लिए, संभोग के लिए भागती रहती है, इस शरीर से दूसरे शरीर चढ़ने का प्रयास करती रहती है। फिर ऐसी अवस्था में व्याकुलता इतनी हो जाती है, वो कहती है कि मैं क्या बदला लूँ, पहले तो मैं इन अनुभूतियों को पूरा करूँ, और अगर बदला लेना आसान नहीं है या नहीं ले पाती, या उस जिससे लेना है उसके पितर आड़े आ जाते हैं, तो कई दफ़ा उन ऐसे आइडिया उसको ड्रॉप भी कर देती है। तो अपने आप में हर आत्मा के ऊपर बेस करता है कि कैसी परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है और उसी हिसाब से कैसी उसकी आगे की स्ट्रैटेजी बनती है। तो अपने आप में बहुत विचित्र और कमाल की दुनिया है ये। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आपको पारलौकिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी आप पे काला जादू करता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, ये भी कमाल के रिजल्ट आपको देगी, काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कटेगा, घर का कलेश खत्म हो जाएगा,
सुपर गोल्ड धुनी जलाएंगे, मनोकामना करेंगे तो काम पूरे होने लगेंगे। हाँ, मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अभिमंत्रित हम शेरमुखी कड़ा देते हैं, इससे गुस्सा भी कंट्रोल आएगा और बरकत भी मिलेगी काम में। ये भी आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है इंटीरियर ज्ञान बाय पुलकित, चैनल आ जाएगा। वहाँ मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की नॉलेज दे रहा हूँ। जितनी आप मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देता रहूँगा। मैंने MSc भी की हुई इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो जो भी मेरा ज्ञान है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। और एक और मेरा चैनल है सोशल ज्ञान बाय पुलकित, वो भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सोशल ज्ञान बाय पुलकित तो वो भी आ जाएगा। उसमें मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं, तो वो भी आई होप आपके काम आएंगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।